एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर अक्सर हिंदू विरोधी होने के आरोप प्रत्यारोप होते आए हैं, लेकिन इसी बीच कल शरद पवार पुणे के मशहूर श्रीमंत डॉक्टर सेठ मंदिर परिसर बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे। दिन भर से शरद पवार मंदिर में दर्शन करने आने को लेकर जोरदार चर्चा शुरू थी, लेकिन जब शरद पवार डॉक्टर सेठ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे तो उन्होंने मंदिर के बाहर से ही बप्पा का आशीर्वाद लिया। नॉनवेज खाने के कारण मंदिर में ना जाते हुए दर्शन करने का शरद पवार द्वारा स्पष्ट की जाने के बाद शरद पवार और देव दर्शन की चर्चा दिन भर शहर में चलती रही। शरद पवार और दिलीप वलसे पाटिल का मंदिर ट्रस्ट की ओर से सम्मान किया गया। इसके बाद पवार ने मंदिर के बाहर से ही गणपति के मुख दर्शन किए और सामने स्थित ऐतिहासिक भेड़ेवाड़ा का निरीक्षण करने के लिए चले गए। साथ ही उन्होंने डॉक्टर गणपति मंदिर के पीछे स्थित गृह विभाग की जमीन का भी निरीक्षण किया। श्री पवार ने मंदिर के दर्शन किए बगैर वहां से चले जाने को लेकर चर्चाओं का दौर चल पड़ा। इसी बीच प्रशांत जगताप ने मीडिया से बात करते हुए उनके मंदिर में न जाने का कारण स्पष्ट किया। ट्रस्टच्या एकूणच विनंती वरून साहेब या ठिकाणी आले होते, दर्शन सुद्धा घेतलेले पण अर्थात ते बाहेरून घेतले, कारण की मला असं वाटतं की इतर बोलघेवड्या नेत्यांपेक्षा जे मंडळी धर्माचं जातीचं राजकारण करतात त्याच्यापेक्षा या वयात सुद्धा जाती धर्माचं राजकारण न करता आपण मंदिरात कुठल्या वेळी गेलं पाहिजे, आपण जर नॉनवेज खाल्लं असेल तर मंदिरात जाऊ नये, अशा प्रकारचा एक चांगला आदर्श आता त्या पवार साहेबांनी ठेवला आहे। हे एकूणच बाकीच्यांनी त्याचं अनुकरण करावं असं मला वाटतं। एकूणच राज्यातलं किंवा देशातलं धर्माचं आस्थेची जी काय एकूण जवळीक आहे ती वेगळी आहे। आपल्याला कल्पना असेल की देशातलं सगळ्यात सुप्रसिद्ध मंदिर म्हणजे सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, त्या संदर्भामध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना स्पेशल परमिशननी त्यांच्या वॉल कंपाऊंडचं ते मंदिर वाचवलेलं आहे, रस्ता हा शिफ्ट केलेला आहे, त्याच्यामुळे इतर ठिकाणी फक्त भगव्या शॉल आणि भगवे कपडे घालून लोकांचं मनोरंजन करणाऱ्या नेत्यांपेक्षा या ठिकाणी फार गाजावाजा न करता थेट मंदिराच्या व्यवस्थापनाला मंदिराच्या भक्तांना या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचा आधार देणारे आदरणीय पवार साहेब। ब्युरो रिपोर्ट, व्ही सारस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।